सोनप्रयाग से भाई गौरीकुंड तक के लिए टैक्सी जाती है, बट भाई टैक्सी नहीं चल रही यहाँ पर। तो भैया सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुँच चुके हैं हम लोग, भाई पूरी पार्किंग फुल हो रखी है भयंकर। यात्री पैदल ही जा रहे हैं भाई की तरफ, नहीं नहीं वो आ रहे हैं ना, फिर ऐसा ना फिर वो भी जाएंगे खाली। पर इंसान कम घोड़े ज्यादा हो गए भाई, देख रहे भाई दो जी देखो भाई ऐसे ऐसे लात मार। गुड मॉर्निंग। तो भाई लोगों अभी का भाई टाइम 9 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, बोले तो केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ने के लिए। पैसा 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 4,000 रुपए लेके आए हैं और कुछ भी मत है क्या? क्या बस 4,000 रुपए ही है और कुछ नहीं है, इसी में आना, इसी में जाना, इसी में खाना, इसी में सब करना है भाई हम लोगों को, क्योंकि हमारा बजट ट्रेवल चलता है हमेशा। एक नंबर पैसा। तो भाई अभी का वेदर कुछ इस तरीके का हो रखा है, धूप तो निकली हुई है बट भाई पहाड़ों के ऊपर भाई धुंध हो रखी है बहुत भयंकर वाली, और भाई ट्रैफिक बहुत भयंकर हो रखा है। रात हम लोगों ने अपनी बाइक वहां पर पार्क कर दी थी एंड यहां से भाई 2 मंजिल ऊपर की तरफ हम लोग आए थे और ये वाला था अपना रूम। अभी मुझे बड़ा वाला बैग लेकर जाना नीचे और बाइक पर बांधना भाई। सबसे बड़ी शीर्षदी ना राइड पर चलते समय यही होती है कि भाई बाइक पर लगेज बांधना भाई। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक भाई ट्रैक होता है और मैं पूरे ट्रैक पर बैग कंधे पर कैरी करने वाला हूँ, बाकी देखते हैं क्या सीन होता आगे। चलो भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, सामान बन गया। हम यहाँ हैं। हाँ तो नीचे आ जाओ ना, घूम रहे हैं। देख रहे हो भाई हुकुमर नुहारा कहाँ घूम रहे, छत पे होटल छत पे घूम रहे हैं लोग। और सामान वगैरह मैंने बांध दिया अभी, और नीचे भाई आलू पराठे का भी ऑर्डर दे दिया क्योंकि मैं सोचा हूँ कुछ खा पी के निकलते हैं आज, भूखे पेट निकलना तो वही हो जाता है कि चलाते जाओ फिर बस ये है कि ढूंढते रह जाते हैं कहाँ खाएँ कहाँ ना खाएँ। हेलो 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 हेलो, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। तो भाई सफ़र करते करते एक दिन ख़त्म हो गया, अगले दिन शुरू है हमारा, और भाई वेदर ठंडा हो चुका है क्योंकि भाई रात बहुत भयंकर वाली बारिश पड़ी है, मतलब धूप तो निकल ही नहीं रही है। आगे जाके आई डोंट नो किस तरीके का होने वाला वेदर। और भाई अभी तो केदारनाथ के पट भी नहीं खुले, मतलब 10 तारीख को पट खुलेंगे, कल खुलेंगे, आज 9 तारीख है, और भाई अभी से इतना ज़्यादा रश हो गया बाद, मतलब रोड पर मतलब इतने सारे बाइकर जा रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, हर कोई केदारनाथ जा रहा भाई। और ये है भाई रुद्रप्रयाग, और हम लोग जो रुके हुए थे रुद्रप्रयाग से सिर्फ 4 किलोमीटर पहले रुके हुए थे। ये रुद्रप्रयाग, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक बद्रीनाथ को एक केदारनाथ को, हम केदारनाथ वाले लेंगे और ऊपर वाला भाई बद्रीनाथ की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला केदारनाथ की तरफ जाता है, और ये भाई रुद्रप्रयाग को ही बाईपास कर देता है। अगर आपको रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में जाना तो भी सीधा वाला लेना पड़ता है। तो ये भाई गुप्त काशी केदारनाथ, तो ये वाला जो ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है ये मुझे बहुत प्यारा सा लगता है, यहाँ से वहाँ से नहीं यहाँ से भाई आप भी चेक कर सकते हो भाई, बहुत प्यारा शानदार सा व्यू आ रहा है यहाँ से। नहीं नहीं शेर पाल रखा हमने, साइज में छोटा है वो, आपको ये कुत्ता लग रहा था ये शेर का छोटा वर्जन है, सुसु पूछ लो यहाँ पर हुकुम को, यहाँ पर सुसु कर दी हुकुम ने। तो यहाँ पर रुके थे हम लोग, पुलिस वाले सर आगे पूछ रहे क्या बिल्ली, नहीं शेर का छोटा वर्जन नहीं है। एंड भाई लोगों ये वाला रास्ता चेक करो भाई कितना खतरनाक है, देखो पत्थर ताजी ताजी गिर रहे हैं, हाँ पत्थर गिर रहे हैं ताजी ताजी, ये देखो हवा की वजह से गिर रहे हैं ना ऊपर से पत्थर, वो थार वाला ही वहीं रोक रहा है भयंकर, ये नहीं डायरेक्ट निकाले जल्दी से। तो भाई बीच बीच में कुछ पैच खराब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस पेट्रोल मैंने यहाँ से डाल लिया और ये गुप्त काशी जगह है, गुप्त काशी के बाद में केदारनाथ के रास्ते आई थिंक कोई भी पेट्रोल नहीं है, ये लास्ट है, तो यहीं से भाई मैंने फुल करा लिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई बाइक कितनी चलेगी, वैसे आधा टैंक से दिखा रहा था, मैंने फुल करा ही लिया, क्या पता है कोई और ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए भाई फुल करा के चलना बनता है। नहीं 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 उसने यहाँ मारी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लगा था, अरे नुहारा टूट गया यार एक, यहाँ लगी लात, ये टूटा है, चलो देखते हैं कुछ। और गधे ने लात मार के बाइक तोड़ दी भाई, भाई रोड पर इंसान कम घोड़े जाते हो गए भाई, देख रहे भाई दो जी देखो भाई ऐसे ऐसे लात मार रहे हैं भाई, अभी ऐसे ही लात मारी थी भाई इन लोगों ने मेरी बाइक में, ये ऐसे ऐसे लात मारते हुए चल रहे, मतलब बहुत दिक्कत है भाई। तो भैया सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुँच चुके हैं हम लोग, और भाई पूरी पार्किंग फुल हो रखी है भयंकर, भाई देख लो भाई पूरी पार्किंग फुल हो रखी है भयंकर, पूरी पार्किंग। थैंक यू यार थैंक यू, चलो यार थैंक गॉड पार्किंग की जगह मिल गई, वरना भाई आज बहुत दिक्कत होनी थी हम लोगों को।
तो भाई लोग बाइक हम लोगों ने पार्किंग में पार्क कर दी है बहुत ही शिद्दत के बाद। भाई बहुत मुश्किल से, मतलब पार्किंग में जगह ही नहीं थी। एक भैया पता नहीं कैसे तरस आ गया, नुहार से बोला आपकी गाड़ी कौन सी है, तो भाई उन्होंने लगा दी। हुकुम को देख के तरस आ गया, हुकुम को देख के भाई तरस आ गया पता नहीं कैसे करके। हुकुम सही से बैठा है। और दूसरा भाई मैंने बैग खोल लिया, आप देख लो भाई कितना भारी बैग है ये बैग, मतलब मुझे पूरे ट्रैक पे कैरी करना भाई। नुहारा तुम तो धूल में अट गए पूरे हैं, कोई बात नहीं कुत्तू को ले लो और हुकुम को देखो खा पी के आराम से मस्त बैग में बैठ गया भाई। तो भाई लोगों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बाइक हम लोगों ने अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग से भाई गौरीकुंड तक के लिए टैक्सी जाती है, बट अभी भाई टैक्सी नहीं चल रही यहाँ पर। आई थिंक मुझे लग रहा है कि रास्ते में ट्रैफिक हो रखा है, इसलिए यहाँ से भाई कोई भी टैक्सी नहीं निकल रही है, यात्री पैदल ही जा रहे हैं भाई आगे की तरफ। अगर आप आ रहे हो, अगर आपको टैक्सी मिलती है भाई टैक्सी से भी जा सकते हो, अगर टैक्सी नहीं मिलती है बाई लक तो भाई पैदल भी निकल सकते हो। बाकी हम जाएंगे, हम किससे जाएंगे, स्कूटर से हम जाएंगे, स्कूटरी से। तो अभी एक भाई यार अपना आगे से लेने के लिए हम लोगों को, तो भाई हम लोग जाएंगे भाई स्कूटर से। हाँ आपका स्टोरी डाल रखा था ना, अच्छा 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 पहले ही वो। तो अभी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो आगे तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ आप मेरी स्कूटी लो, आप फिर इनको लेने आ जाओ, और क्या है। नहीं नहीं वो आ रहे हैं ना, फिर ऐसा ना फिर वो भी जाएंगे खाली। एक मतलब एक भाई है ना, तो एक भाई अपने आने वाले थे बट ये भाई अपने घर से आ रहे हैं, और भाई ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और अपने फैमिली के मेंबर हैं। तो भाई से मैं एक बार आप लोगों को मिलवा देता हूँ। भाई मोहित है भाई का नाम, और भाई का नाम भी मोहित है, क्या कहते हो। भाई थोड़े साइज में मतलब शर्मा रहे भाई। चलो फिर मुझे या तो तुम निकलो। हाँ चलो फिर मैं निकलता हूँ, तुम यहीं बैठे मिलना। तो भाई अपना एक भाई जो मिला ना बोल रहा है कि भाई 2000 फॉलोवर से मैं आप लोग आपके साथ हूँ, मतलब 2000 फॉलोवर थे तब मेरे, तब से जुड़ा हुआ। मतलब यार इस चीज़ को सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और भाई अभी मुझे छोड़ने जा रहा है, और नोहारा को मैंने वहीं छोड़ दिया। तो भाई ने बोला कि वापस आप ले जाना स्कूटी, दोबारा हम फिर नोहारा को ले आएंगे। चलो चलो चलो, नोहारे गधों के बीच में फंस गए क्या। भाई बहुत ट्रैफिक हो रखा, बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत दिक्कत है यार। आओ, तो भाई काफ़ी मुश्किलों से भाई यहाँ तक पहुँचे हम लोग, क्योंकि भाई बहुत भयंकर वाला ट्रैफिक हो रखा है, एंड गधे घोड़े ज़्यादा भाई, इंसान कम लग रहे मुझे यहाँ पर। ये देखो नुहारा भाई के साथ में चल रही है, और एक भाई ये चल रहे अपने मस्त। तो भाई धीरे धीरे करके अपने स्कूटर आगे की तरफ बढ़ रहा, और इधर से भाई पानी की बहुत भयंकर सी आवाज़ आ रही है यार। इधर ना मतलब गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप, एक गाड़ी के लाइन रोड है और दोनों गाड़ी फंसी पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर ट्रैफिक होता है। ये देखो भाई दूर दूर तक देख लो। ए हुकुम चले पैदल पैदल चले क्या, कहाँ से रास्ता। रेड वाले टीम से आ, ये ट्रक कहाँ से आ गया, ये बीच में ट्रक फंसा दिया पता नहीं किसी ने, इस ट्रक की वजह से लगा पड़ा, वरना निकल जाते ट्रक को। सो भैया अभी अपन लोग आ चुके हैं गौरीकुंड की मार्केट में, और मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं, और 4 बजे जो यहाँ के फाटक वो बंद हो जाएंगे, ऊपर जाने वाली जो एंट्री ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। रुके भी नहीं है, मेरा प्लान था भाई रुक कर मुँह हाथ धुलें और कुछ खाए पिए तब निकले, बट खाने पीने का हम लोगों ने यहीं से फटाक से पैक करा लिया। और भाई भीड़ चेक करो एक बार, सब सही।